आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक फ़ोन आया हुआ है सैमसंग A52। दोस्तों पहले मैं इसकी आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन जानेंगे। ये दोस्तों ये प्रॉब्लम सैमसंग के काफ़ी फ़ोनों में आजकल आ रही है। हल्का अगर पानी चले गया या फिर हल्का डस्ट वगैरह चले गया तो ये प्रॉब्लम काफ़ी फ़ोन में आ रही है सैमसंग के। तो ये हमारे पास सैमसंग A52 है, आप देख सकते हैं ये एरर आ रहा है अगर आपके फ़ोन में। तो आप किस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, काफ़ी इजी मेथड बताऊंगा दोस्तों। कोई पार्ट्स नहीं चेंज करना आपको, ना इसमें पत्ता चेंज करना है, ना ही चार्जिंग जैक चेंज करना है। काफ़ी इजी सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आपको दोस्तों पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। जो ये सॉल्यूशन बताऊंगा आपको दोस्तों, वो हमने 4 या 5 फ़ोनों में ये सॉल्यूशन का ट्राई किया है, लेकिन सब में सक्सेस है, तभी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर दोस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, सर आपकी इंस्टा आईडी बता दीजिए। दोस्तों सारी जो वीडियो है उनके डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फ़ोन को ओपन करना है, सैमसंग A52 है ये। तो ये देख सकते हैं हमने इसका सारा डिसेंबल कर लिया है, बैक साइड का ही आपको डिसेंबल करना है दोस्तों। और काफ़ी बार दोस्तों अगर आपका फ़ोन है तो मॉइस्चराइजर का भी ये एरर बताता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले दोस्तों आपको फ़ोन को डिसेंबल करना है, और उसके बाद ये कनेक्टर आपको हटा देना है, और जो ये चार्जिंग पत्ता है दोस्तों ये आपको बाहर निकाल देना है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और 100% वर्किंग सॉल्यूशन बताऊंगा, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। और तो सबसे पहले फटाफट से डिसेंबल कर लीजिए अपना फ़ोन, जैसे कि हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये फिंगरप्रिंट सेंसर हटा दीजिए यहाँ से। दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। टच डिस्प्ले, मदरबोर्ड, बैटरी से रिलेटेड दोस्तों कोई भी आपको पता करना है, प्राइस पता करना है या रेट पता करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप जैसे ही सीसी पत्ता या चार्जिंग पत्ता आप निकालते हैं तो आपको दोस्तों सिंपली इसको अच्छे से क्लीन करना है, जैक को अच्छे से क्लीन करना है, थिनर या फिर आप फैलकॉन से इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए जैक को, और जो चार्जिंग पत्ता है दोस्तों उसमें क्लीन करने के बाद आपको हीट करना है, एकदम अच्छे से हीट करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हीट कर लेना है, सारे कंपोनेंट आपको हीट करने हैं, चार्जिंग जैक आपको हीट करना है, आप देख सकते हैं। इतना भी मत करिए हीट दोस्तों कि जल जाए, लेकिन नॉर्मल आपको हीट कर ले रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छे से क्लीन करने के बाद हीट करना है दोस्तों, और उसके बाद फिर से फिक्स कर देते हैं, ये थोड़ा सा गर्म है। ध्यान रखना दोस्तों अच्छे से क्लीन करने के बाद फैलकॉन या फिर थिनर की मदद से अच्छे से क्लीन करने के बाद ही दोस्तों आपको हीट करना है, अच्छे से हीट करना है, आपको चेंज कुछ भी नहीं करना है, इसी बोर्ड को आपको अच्छे से हीट करना है, और उसके बाद आपको फिक्स कर देना है। तो इसे फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद आपको चेक कराएंगे दोस्तों प्रॉब्लम सेम है या फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया है। तो पहले हम इसे फिक्स कर देते हैं,
दोस्तों आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। आपको सिंपली दोस्तों क्या करना है, चार्जिंग पत्ता आपको निकालना है बाहर और उसे अच्छे से क्लीन करने के बाद, उसे अच्छे से हीट करना है और उसके बाद आपको फिर से कनेक्ट कर देना है, जैसा कि हम कर रहे हैं अभी। कनेक्ट हमारा हो रहा है और अब हम आपको चेक कराएंगे। तो ये हमने फिक्स कर दिया अच्छे से क्लीन करने के बाद। दोस्तों हमने चेंज नहीं किया है, वही पत्ता है, ये ओरिजिनल पत्ता है। तो ये चार्जिंग लगा दिया हमने, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, बैटरी एकदम डाउन है इसकी। तो दोस्तों वैसे ये अब एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी देर में ये एरर आ जाता है, तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पत्ता अच्छे से लगाया है, कनेक्टर को अच्छे से लगा लीजिए। तो अब एरर आ नहीं रहा है, लेकिन परसेंटेज भी नहीं दिखा रहा, अभी देखते हैं। चार्जिंग निकाल के फिर से लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों 0% दिखा रहा है अब। अब एरर हट गया है। तो आप दोस्तों इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में भी इस तरीके का एरर आ रहा है, या मॉइस्चराइज का एरर आ रहा है, या पानी की बूंद बनी हुई एरर आ रहा है, तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये 100% दोस्तों वर्किंग सॉल्यूशन है। इसमें हमने 4 या 5 फ़ोन में ये ट्राई किया है, सब में ये वर्किंग है। तो इसलिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना। दोस्तों फिर भी आपके उसमें सेम प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। और साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना। हम ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड नई नई वीडियोज अपने चैनल पर रोज़ अपलोड करते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।